घर के ओनर को भेजो, जरा बात करनी है कुछ। मैं ही हूँ। बेटे मजाक के मूड में ना है, काम से आए हैं, जल्दी मालिक को भेज। अबे मैं ही हूँ। अबे साले हुटले, भेज दे मालिक को। देख रही है इसके होट को, बच्चे की बुल्लो से मोटा होट लेके बैठा बेंचो। मालिक भेज फटाफट मालिक को। कट भोसड़ी के, बोले चले यारिया, चल निकल यहाँ से। मैं ही हूँ मालिक, इतनी देर से समझ में ना रही तुझे। अबे यही है यार मालिक, क्यों उल्टा सीधा बोल लिया है ना भाई, सबको अच्छा लगा कोई ऐसे? इसकी बात का बुरा मत मानो, मैं कह रहा हूँ आपके यहाँ पे कमरे किराए पे मिलते हैं क्या? अच्छा कमरा चाहिए, मिल जाएगा। तो बताओ फिर क्या किराया होगा? 4,000 रुपए महीना। 4,000 रुपए? एक लोंडिया भी चुतवाओगे का कमरे में? सही पैसे बताओ। अब वो पहले तो ये गाली बकना बंद कर, और 4,000 रुपए ही किराया लगेगा, और उसमें भी 2 महीने का एडवांस देना पड़ेगा तुझे, तब जाके घर के अंदर एंट्री होगी, वरना चल निकल यहाँ से। एक काम कर, रूम यार अच्छी जगह मिल लिया, पार्क वार्क भी है, 4,000 रुपए कोई बात ना। तू अपनी चोंच चिल्लानी बंद कर, अभी तू बच्चा है इन बातों में, बात हमें करन दे। भाई साहब आपका रूम हम 4,000 रुपए में नहीं लेंगे। तो 4,000 से कम में मैं भी नहीं दूंगा, वो है अगर रास्ता जा सकते हो तुम दोनों। ठीक है भाई साहब, हम आपका रूम तैयार है 4,000 में लेने के लिए। ऐसा है, रूम भी बढ़िया जगह मिल लिया, पार्क वार्क भी है, ठीक है 4,000 की कोई बात नहीं। साला चूतिया। और हाँ, मेरे यहाँ के कुछ रूल्स हैं, कोई भी मुझे सिगरेट पीता हुआ ना दिख जा, मुझे धुएं से सख्त एलर्जी है। और जो खुद जो पी रहे हो तुम, पहले पूरी बात सुन ले, दूसरों के धुएं से एलर्जी है, और दूसरी बात कोई भी इधर उधर थूकता हुआ ना दिख जा, और तीसरी बात अपने कमरे के साथ साथ पूरे घर में झाड़ू लगाओगे। चलो ठीक है, ये भी मान लेंगे। और सबसे जरूरी बात, जितनी बार दोनों टॉयलेट में जाओगे मुझे साफ चाहिए, इतना सा भी गंदा ना मिल जा। यार टॉयलेट को मत कहो, जरा देर में मुट्ठी छुट्टी मार के भूल गए तो दिक्कत आगी फिर। तू ये देखते ही समझ रिया, मैं ना दिन देख रहा ना रात देख रहा, केकड़े हाथ पहन लिया ना। ऐसी बात ना, खैर और हमें रूम दे दो तुम, अब बातें बातें मत करो, हमें मंजूर है सब कुछ। ठीक है जाओ अंदर चले जाओ। अरे वैसे मैं वो बुला सकता हूँ क्या तुम्हें, बड़ा भाई? अबे ओ रिश्तेदारी बिस्तेदारी मत निकाल, ओनली कॉल मी सर। प्रीतम प्यारे, आप तो मुझे जानती होंगी। क्यों, तू क्या मेरा भाई है जो तुझे पहले से जानती होंगी? तौबा करो जल्दी से, कितना बड़ा गुनाह कर दिया, बख्शीश ना इस चीज की। चुप रे चुप। एक्सक्यूज मी, कैन आई टेक योर हैंड? ओ आपको तो बहुत जल्द पी नाम के लड़के से प्यार होने वाला है। पी पी मैं प्रीतम, अरे कहीं मुझसे प्यार तो नहीं होगी आपको? काम होगा, तू ज्योतिष कब से बन गया? आती है मुझसे ये सब चीजें, और इतना हुनरदार हो गया मैं इन सब चीजों में, अगर ये मुझे अपने होठों का किस दे देना, आगे तक का भविष्य बता दूंगा इनका। और जैसे तो मैं तो ये जानता ही ना हूँ, साले भविष्य बता देगा या अपना बना लेगा? ए, मेरे होठों का किस कर, मेरा भविष्य बता। लड़कों का भी सीखा ना हूँ मैं पूरा, लड़कियों का। चल तू इतने बैग खोल, मैं जरा वॉशरूम होके आ रहा हूँ। जरा कम चलाक बन ले, भाभी के चक्कर में जा रहा होगा। ना ना पागल है क्या, वॉशरूम में जा रहा हूँ। अरे यहाँ है सब कुछ खुल्लम खुल्ला। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। मैं कह रहा था अगर ऐतराज ना हो तो क्या भाभी बुला सकता हूँ तुम्हें? बिल्कुल बुला सकते हो। अच्छा भाभी एक बात और जाननी थी, कि अगर किसी लड़की को हम किस कर दें तो कोई प्रॉब्लम होगी? अरे ऐसे कैसे किसी लड़की को किस कर दोगे आप, वो थप्पड़ मारेगी आपको, ऐसे किस नहीं कर सकते आप किसी को भी। हाँ ये भी है, और जैसे भाभी किसी को धोखे से किस कर दें, जानबूझ के नहीं कर रहे हम, धोखे से हो गए तब? देखो धोखे से हो जाए, धोखा तो धोखा होता है, तो लड़के को सॉरी बोल देनी चाहिए, और धोखे से मेरी नजर में तो माफ कर देना चाहिए लड़की को। भाई साहब बंदूक नीचे करो पहले, और अपनी बीवी से बात करो। जबरदस्ती किस कर रहा है मुझे? हाँ भाभी ये रंडी रोना मत रचो मेरे सामने, इन्होंने कही मुझसे अगर धोखे से किस हो जाएगा तो लड़की माफ कर देती है, मुझसे भी धोखे से हुआ मैं जानबूझ के क्यों करूंगा किसी की बीवी को किस। हाँ ए तू अंदर चल, धोखे से हुआ? और भाई साहब यार। हाँ तो तुझे आज मैं बताता हूँ धोखे से क्या क्या हो सकता है। भाई साहब ये पानी, बड़ा टाइम लगा दिया वॉशरूम में, और ये चीखा कौन था इतनी तेज? नहीं तो चीखने की आवाज कहाँ से, वैसे बच्चे कच्चे होंगे। वैसे यार प्रीतम भाभी हैं बहुत अच्छी, और तूने उनके दूध देखे कितने प्यारे। ए यार बड़ा पागल आदमी है, उनके घर में रह रिया और उन्हें इतनी गंदी निगाह से देख रिया,
शर्म आनी चाहिए तुझे यार, कितनी गलत बात है। मेरी उनके सामने निगाह तक नहीं उठ रही, इज्जत कर रहा हूँ उनकी। अबे तो पागल, गंदी नजर से देखियो क्रिया है, मेरी तरह साफ नजरों से देख। अरे ऐसे तो मैंने भी देखी है। अरे यार ये साले को नींद क्यों आ रही। तेरी कसम, मुझे भी बड़ी तेज की नींद आई है बिल्कुल अभी। तो सोता क्यों नहीं है यार? अबे तू क्या कर रही है इतनी रात में यहाँ? क्या काम है तुझे? भाई सब दो मिनट के लिए भाभी को भेज दियो जरा बाहर। अबे तू एक ही काम है भाभी से? बीवी मेरी है वो। कुछ काम है तभी तो आया हूँ मैं, भेजो तो सही, दो मिनट की बात है बस। मुझे बता क्या काम है। अरे यार तुम्हें बता क्या, तुम्हें फलान बताऊँ? अरे भाभी एक मिनट बाहर को आ जाइए। हाँ बता क्या है। हाँ अच्छी, ये क्या है बे? ये तेरी अम्मा का नजर का चश्मा लगा हुआ है। अबे झाटू तेरी बहू की ब्रा, तू इसे ना पहचान लिया? और भाभी तुम कहीं भी छोड़ दोगी इसे? सड़क पे पड़ी मिली है, बंदर उंदर ले जाता और चार जगह यूं घुमाता इसे, सब देखते भाभी की, भाभी की कितनी बात खराब होती। चलो इधर आओ पहना देता हूँ मैं। अब तुझे क्या काम है बे? भाई साहब दो मिनट का काम है, भाभी को भेज दो जरा। अच्छा बिरा लाया होगा, सड़क पर पड़ हुई मिली, बंदर लेके भाग रहा है, जान पे खेल के बचाई तूने, अब अपने हाथों से पहनाओगे? बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई साहब, तुम्हें कैसे पता? ए, आँख काली पड़ी है पूरी। तेरी भी तो पूरी आंख काली पड़ी है। कीड़ा बीड़ा चल गया होगा मेरे तो रात में। हाँ तो वही कीड़ा मेरे पे भी चल गया होगा। मुझे लग रहा है तेरी आंख पे किसी ने घूंसा मारा। मुझे भी यही लग रहा है, तेरी आंख पे भी किसी ने घूंसा ही मारा। साले कम बोल ले वरना ऐसा टब्बा मारूंगा कला खा जाएगा। तो तू भी कम बोल ले बेटे ने, टब्बा मारना मुझसे भी आवे। तो तैयार हो जा इंटरव्यू के लिए जाना। कहाँ चल दिए भाई नए कपड़े पहन के? टोक दिया साले 52 गज के होल्ड ने। क्या कह रिया? इंटरव्यू के लिए जा रहा है, इंटरव्यू के लिए। अच्छा जरा जॉब में पास ही हो यही हो, वरना 2 महीने ऐसे निकल जा, अगर रेंट ना दिया ना घर से बाहर निकाल दूंगा। अबे यार कितने बड़े पागल आदमी हो, बधाई तो देना रहे, बेस्ट ऑफ लक तो बोलना रहे, और घर से निकालने की बात कर रहा हूँ। ये जवान मत चला रहे, मेरे सामने निकाल ही दूंगा मैं। अरे चला यार, इसके मुँह कहाँ लग रहा है? एक मिनट लगेगा, अभी मोजे की क्वालिटी बता दूंगा ना, सारे पैसे खा जाऊंगा साले के। अरे यार लेट हो जाएंगे जॉब के लिए। भाई साहब सेक्टर 5 चल रहा हो क्या? हाँ चल रहा है, आओ बैठो। चलो जी भाई साहब। रुक जाओ यार, अभी एक आध सवारी और अंदर। यार क्यों ना इसे इतने मोजे ही भेज दूं। भाई साहब रिक्शा तुम्हारा ही है? हाँ यार मेरा ही है रिक्शा। मालदार हो गरीब हो? अरे यार ये रिक्शा चला रहे हैं तो गरीब ही होंगे। रहने दो यार भाई साहब, आजकल के गरीब गरीब बच्चे कहाँ हैं, तमाम करोड़पति बने बैठे, खुद की बिल्डिंग है। कुतुब मीनार देखी है? हाँ देखिए। उसमें की 8-10 बनवा रखी है हमारे मोहल्ले के गरीबों ने, खुद की जड़ खरीद। अच्छी है भाई। अच्छी है भाई, कर रहो। ये तो पूछना रहे मालदार कैसे हुए वो गरीब। अरे चलो तुम ही बता दो कैसे हुए वो गरीब मालदार। हाँ ये पूछी ना काम की बात। इसे पहन के। ये तो मोजा है? ये कोई मामूली मोजा नहीं है, इसकी कीमत है 400 रुपीज। इसके अंदर फिट है विंडो AC, जब तुम इसे पहनोगे पूरे शरीर में कंफर्टेबल फील होगा और पैरों में एकदम कूल कूल कूल। इससे कैसे पैसा कमा लेंगे, करोड़पति कैसे बनेंगे? हम बताएंगे ना, जब इसे तुम पहनोगे
पहन के जब चार आदमियों में जाओगे और वो देखेंगे तुमने ये मोजा पहना है तो वो तुम्हें पैसे देंगे। वो क्यों खामखामा हमें पैसे देंगे भाई? यही तो इस मोजे की क्वालिटी है। मुकेश अंबानी साहब है हाँ? यही मोहल्ले में टहलते रह गए वो पाक बड़े के मालदार नहीं थे इतने, मेरे घर आए मुझसे मोजा लेके गए, आज देख लो कहाँ पहुँच गए, करोड़पति हैं। अब तुम बातें होते मत करो, फटाफट 400 दो मोजा लो। यार मेरे पास तो 200 रुपए ही है। तुम पे मेरा दिल आ गया, तुम 200 ही दो। चलो आ गई सवारी। यार भाई साहब मैं कह रहा था मैंने नहीं चलाया आज तक, मैं चलाऊं क्या? तू चला ले, अब तो मैंने मोजा ले लिया, करोड़पति बन के कार ही चलाऊंगा सीधी मैं तो भाई। अरे यार भाई साहब तुम आ जाओ पीछे से, इसे चला लो यार, अब मेरा मूड नहीं, अब तो मैं कार ही चलाऊंगा। नेक्स्ट। ऐसा है अगर आपका नंबर आया ना तो मैं दे दूंगा इंटरव्यू, ठीक है? तू क्यों चला जाएगा भाई, नंबर मेरा तो मैं ही तो जाऊंगा। अबे तेरी जॉब लग गई मेरी लग गई, बात तो एक ही है, मैं दे दूंगा इंटरव्यू आपके। अलग को हट, जॉब किसी की ना होती है, मैं इंटरव्यू दूंगा, मेरी जॉब लग जाएगी तो समझ गया तेरी जॉब लग गई। देखिए नाटक मत करे तू, बता रही हूँ तुझसे मैं पहले, मैं दूंगा इंटरव्यू, मुझे जॉब की ज्यादा जरूरत है। तुझसे ज्यादा जरूरत जॉब की मुझे है, पहले इंटरव्यू मैं दूंगा। बेटे बहुत ही भुस भर हुआ यही तेरा, अभी मैं जॉब तो मैं ही लूंगा ये वाली, मुझे बहुत पैसे की जरूरत है, समझा कर यार। देख भाई सुन, तुझसे ज्यादा पैसे की जरूरत मुझे है, इंटरव्यू पहले दूंगा मैं। अबे भैया किराया विराया कमरे का मैं ही तो दूंगा यार, मेरी तो जॉब। और मेरी जॉब लगने दे तू, मैं दूंगा महीने का किराया उसका। तू मानेगा ना ऐसे? तू भी ना मानेगा ऐसे? ओ भाई एक्सक्यूज मी, जो तुमसे पहले आया था ना उसका सिलेक्शन हो चुका, तुम लोग जा सकते हो। क्यों लाया है भाई यहाँ पे? भूख तो लग रही होगी तुझे, मुझे भी लग रही है, खाना नहीं खाएगा? हाँ यार खाना तो खाऊंगा, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास, कहीं तुम मुझसे बाद में लड़े। मैं दे दूंगा पैसे, मेरे पास आएंगे। वेटर। यस सर। दो आलू के पराठे, दही और अचार लेके आ जाओ। ओके सर। कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगावे तो वो भी मंगा लिए। और तो नहीं खाएगा? पेट भर गया। बिल मंगा लेता हूँ मैं। वेटर बिल ले आओ जरा, मैं वॉशरूम होके आया अभी। आर्या मेरा दोस्त, बिल वो देगा। मैं अभी आया, देख कर आता हूँ। फंसवा गया साला कुत्ता। अरे यार वो तो भाग गया और मेरी जेब में पैसे है नहीं। मैं कहाँ रह गया था, कब से इंतजार कर रही हूँ बावले तेरा। साले तेरे पास पैसे ही ना थे तो मुझसे मना कर देता, मैं वहाँ पे खाना ही ना खाता। अगर मैं उसका हाथ ना रोकता पता कितनी गलत जगह डंडा डाल लिया था वो मेरे। अरे वो यार पैसे तो थे पर एंड टाइम पे पता नहीं कहाँ चलेगा जेब से पैसे। चल इतना तो ना मारा होगा जितना नखरे दिखा रिया, घर चला। स्विमिंग पूल? मैं तो जरूर नहाऊंगा भाई। अबे मैं भी तो नहाऊंगा। कहाँ घुसा चला रही है? तेरे बाप का स्विमिंग पूल है,
अपने लिए बनवाया, अकेला ना तो इसमें, मेरी बीवी नहीं घुस सकती। चल निकल यहाँ से। हाँ चल निकल यहाँ से, शकल तो देख ले पहले अपनी, स्विमिंग पूल में ना आगा बावला। चल जा यहाँ से। अब ओ तू कहाँ को आ रही है? चल तू भी जा यहाँ से, और बाल्टी में पानी भर भैया के ना। मैं भी। हाँ तू भी। यार पूल में तो मुझे नहाना था। अबे मुझे भी तो नहाना था। एक काम करते हैं, आपस में झगड़ा कर लेते हैं और पूल में कूद जाएंगे झगड़ा करते करते, बता कैसी रही? बहुत बढ़िया, चल शुरू कर। अबे तूने मुझे मारने की कोशिश कैसे करी? अबे तो तूने मुझे झबरा कही क्यों थी? साले कौवा भी कौवा क्या कर लेगा तू मेरा? क्या कर दूंगा तू? अबे तू अबे साले लेते लेते स्विमिंग पूल में पहुंच गए हम। अबे यार चलो आप कूद गए तो कूद गए, नहा ले मैं अब। अजी सुनते हो, मुझे स्टेशन छोड़ाओ, मैं मैके जा रही हूँ। आओ भाभी मैं छोड़ के आता हूँ। तू क्यों छोड़ के आगा भाई? जब मैं उधर को जा रहा हूँ तो मैं खुद छोड़ दूंगा भाभी तुम्हें। आओ। अरे जरूरी है क्या तू उधर जा रहा है तो तू ही छोड़ेगा? हम छोड़ के आएंगे, हम रखेंगे ख्याल उनका। मैं मानता हूँ तू भाभी को अपनी बहन मानता है, लेकिन जरूरी थोड़ी यार बार भाई ख्याल रखेगा। मैं हूँ तो क्यों भाभी, मैं खुद छोड़ दूंगा। आओ। ए जरा कम बोल, और पहली बात तो तुझसे बाइक चलानी आती ना जो तू छोड़ेगा। ओह कौन कह रहा है तुझसे मैं बाइक नहीं चला सकता? दाएं दाएं भगाए फिर एक पहिए पही, और तुझसे ना आती बल्कि बाइक चलानी। कौन कह रहा है? अबे चलानी। अजी मेरा लंडा अबे। तुम भाभी मेरे साथ आओ। सालो कुछ तो जब से आयो ना मेरी बीबी के पीछे पड़ा हुआ। नहीं भाई साहब ऐसी तो कोई बात ना यार, और भाभी आपको ऐसा लगा कि हम आपको गलत निगाह से देख रहे हैं? तू तो चुप रहे कुत्ते। और तू क्या कर रही है यहाँ पे? मैं के जा रही हूँ, जब मेरा मन करेगा तब आऊंगी। हाँ तो मुझसे कहना मैं छोड़ आऊंगा। अरे तुमसे ही तो कह रही थी, ये भोसड़ी के पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए। नहीं भाभी हम कुछ कह थोड़ी रहे थे, आप भाई साहब इनको लेकर जाओ मैं के, हम तो वैसे भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना। चला छोड़ आऊं तुझे। देख भाई मेरी सुन पहले, अगर हम आपस में लड़ते ही रहेंगे ना तेरी नौकरी लगेगी ना लगेगी मेरी। आज तू दे क्या इंटरव्यू, मेरी बाद में देखी जाएगी। सही है? ये सही है। देख इंटरव्यू देना कोई आसान बात ना, बच्चों को खेलना, दे दे इंटरव्यू तभी जाइए, वरना काम खराब मत करिए। अरे भैया तू बेफिक्र रहे, बिल्कुल दे दूंगा इंटरव्यू यार। और सुन इंटरव्यू लेने वाले जितने भी होते हैं ना, ये सब पागल ही होते हैं, इन्हें भी ना पता कौन सा सवाल पूछ लिया। तुझे सारे जवाब इतनी जल्दी देने कि सवाल खत्म ना हो, जवाब पहले दे देना। जैसे कुछ भी पूछ रहे हैं ये बाबले ही हो, जैसे टेबल है कितनी रखी है, जैसे तू जीना चढ़ के गया कितनी सीढ़ी है, तू तुरंत जवाब दे 18 सीढ़ी है। उन्हें लगेगा बोले लोंडा कॉन्फिडेंस वाला, नौकरी पक्की जभी होगी। पक्का श्योर है? हाँ हाँ पक्का श्योर हूँ, आज तेरे भाई की नौकरी पक्की, जवाब खटाखट दूंगा। जा और सुन, तू तो चाहे गलत जवाब दिए लेकिन दिए तेजी तेजी से, जा खटाक से जवाब। तुझे सारे जवाब इतनी जल्दी देने के सवाल खत्म ना हो, जवाब पहले दे देना। क्या नाम है आपका? 18 सीढ़ी चढ़ के आया हूँ सर। नाम पूछा? नाम? ओ सॉरी सर मेरा नाम है प्यारे। किधर रहते हो सर? लखनऊ। ओ सॉरी सर यहीं पड़ोस में रहता हूँ आपके। अच्छा ये बताओ ये जॉब क्यों करना चाहते हो? जी सर कुतुब मीनार दिल्ली में ही है। ओ सॉरी सर पहली बार है ना मेरा, तो थोड़ा मुझे डर सा लग रहा है आपसे। सर पैसों के लिए करना चाहता हूँ। चलो ये बताओ आप इस कंपनी के लिए क्या क्या कर सकते हो? सर कंपनी अपनी माचुदा है, क्या करना उससे? ओ सर लास्ट बार माफ कर दो, देखियो कंपनी के लिए तो सर हम अपना सब कुछ करने तैयार हैं। अबे भोसड़ी के तो चूतिया है कौन है? तुझसे मैंने इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछे हैं, अगर तू सोच समझकर इन क्वेश्चनों का जवाब देता तो आसानी से जवाब दे देता, पर तेरी गांड में क्या चूल है, हर सवाल के जवाब खटाखट दिया जा रहा अरे किसने सिखाए हैं जवाब तुझे देने खटाखट? सॉरी सर बस एक मौका और दे दो, मैं इस बार सोच समझ के जवाब दूंगा सर। अबे भैया जा यहां से, पूरे मुंड की मां बहन एक कर दी, पता ना कहां से सीख के आया खटाखट जवाब देने। अबे जा यहां से। उससे किसने कही भाई खटाखट जवाब देने को? मुझे पता है। चल जरा अब बता तो दे क्या हुआ नौकरी का? रूम तो मिल जाएगा तुम दोनों को, लेकिन काम क्या करते हो? शहर से हम कपड़े लाते हैं और गांव-गांव जाके बेचते हैं। ओ अच्छा कपड़े।